नजदीक है और इसको लेकर भाजपा लगातार तैयारियां भी कर रही है और फिर बदलियां भी कर रही है। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता रामलाल शर्मा है, जिनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ तैयारियां हैं। कल भाजपा का स्थापना दिवस है, क्या कुछ तैयारियां हैं इस मौके पर? देखिए, कल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तमाम मंडल स्तर के ऊपर मना रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उद्बोधन भी इस स्थापना दिवस के अवसर के ऊपर सब कार्यकर्ताओं को सुनने को मिलेगा, उसकी भी हमारी पूरी तैयारी है। और 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक इस पूरे सप्ताह को भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मना रही है। 11 तारीख को ज्योतिबा फुले जी की जयंती है, 14 तारीख को अम्बेडकर जी की जयंती है और इन मनीषियों के कार्यक्रमों को भी हर स्तर के ऊपर सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी पार्टी का ये मकसद है। एक भी वर्ग ऐसा नहीं छूटे जहां पार्टी कार्यकर्ता खड़े नहीं हो और एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं छूटे जहां भारतीय जनता पार्टी झंडा वहाँ नहीं पहुंचे। तो आने वाले समय के अंदर हमारे बूथ मैनेजमेंट का कार्यक्रम चल रहा है, हमारा सशक्त मंडल हो, सक्रिय हमारी बूथ समिति हो और पन्ना प्रमुख की नियुक्ति हो, इन तीन ध्येय के साथ हम काम कर रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ये हमारी संगठन संरचना एक ताकत बन के निकलेगी। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि इस बार सरकार रिपीट करवाएंगे और 156 से ज़्यादा सीटें लेकर आएंगे। देखिए, इतिहास इस बात का साक्षी है कि अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जब जब सरकार बनती है, पहले 1998 के अंदर 156 सीटें लेके आए थे, 2003 के अंदर 56 रह गई, 2008 के अंदर इन्होंने सरकार बनाई, जब सरकार इनकी गई तो सिर्फ 21 सीटें सिमट कर रह गए। तो कांग्रेस का इतिहास रहा है कि मुझे नहीं लगता कि 11-12 सीटों से ज़्यादा आएगी। और इनके मंत्री खुद कह रहे हैं कि अगर सरकार की यही कार्यशैली रही तो एक फॉर्च्यूनर जितनी सवारियां ही जीत के आएगी। तो सरकार रिपीट करना एक तरीके से मुंगेरी लाल के असीन सपने देखना है, सरकार रिपीट नहीं हो सकती किसी भी कीमत पर। RTH बिल्कुल लेकर आना और उसको लागू करवाना भी बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। कल गहलोत साहब कह रहे हैं कि पहला देश का पहला राज्य है जिसने ये RTH बिल लागू किया है। देखिए, सिर्फ गुमराह करने का काम सरकार कर रही है, गुमराह करने का काम कांग्रेस कर रही है। पहले किसानों को भ्रमित किया कि हम आपका संपूर्ण कर्ज माफ़ ही करेंगे। किसान आज भी राजस्थान के 18,000 किसान ऐसे हैं जिनकी ज़मीन नीलाम हो चुकी है। फिर इन्होंने कहा कि हम युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, सरकारी जितने भी रिक्त पद उनको भरने का काम करेंगे। आज युवा भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। पेपर लीक का मामला एक बड़ा मामला है, 26 लाख परिवारों से जुड़ा हुआ मामला है, रीट का पेपर लीक हुआ। तो इन तमाम मुद्दों के आधार के ऊपर अब जनता और युवा इस सरकार के बहकावों में आने वाले नहीं है। आपने ही चुनाव के दौरान 2018 के अंदर कहा था कि हमारी सरकार अगर बन गई तो हम संविदा कर्मियों को नियमित करने का काम करेंगे। आज भी राजस्थान में 3 लाख संविदा कर्मी हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, बार बार सरकार से मांग कर रहे हैं। ऐसा झुंझुना उनको पकड़ने का काम किया है कि IAS की कैडर के अनुसार उनको वरीयता मानी गई है, तो 4 साल नौकरी करने के बाद 1 साल की वरीयता आप मान रहे हो। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि सरकार उनका भी भला करना नहीं चाह रही। जयपुर बम ब्लास्ट के मामले में आरोपियों को बरी कर दिया गया, जिसको लेकर आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको लेकर भी आपने एक रणनीति बनाई है कि राजस्थान के सभी जिलों के अंदर विरोध प्रदर्शन करेंगे? जिलों के अंदर विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम भी होंगे और साथ के अंदर जो प्रभावित परिवार हैं, चाहे जिन परिवारों की मृत्यु हुई हो लोगों की या जो घायल हुए हैं, उन सबसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता वरिष्ठ नेता उनसे परिवारों से संपर्क करेंगे। और इस मूवमेंट को भी हम सरकार की नाकामी जनता को बताने का काम करेंगे कि सरकार किस तरीके से तुष्टिकरण का काम करती है। अगर इसी राजस्थान के अंदर जब अलवर के अंदर मॉम लिंचिंग का प्रकरण आता है तो स्पेशल एडवोकेट नियुक्त करने का काम सरकार करती है, और जब सैकड़ों परिवारों से जुड़ा हुआ मामला है वहाँ सरकार लापरवाही करती है। इनका AG उन पेशियों के अंदर पहुंचा ही नहीं पैरवी करने के लिए और अपने जूनियर को भेजता है, तो सरकार कितनी गंभीर थी इस मुद्दे के ऊपर वो पूरा राजस्थान जानता है। अच्छा रामलाल जी, आखिरी सवाल, चुनावी साल है, इस मौके पर बड़ी फेरबदलियाँ और भाजपा के अंदर हुई है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष देख लें, नेता प्रतिपक्ष देख लें, उपनेता प्रतिपक्ष देख लें, कैसे देखते हैं इन बदलावों को कि क्यों किया जा रहा है चुनावी साल के अंदर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक एड्रेस पार्टी है, उसका एक संवैधानिक एक ढांचा है, निर्धारित समय सीमा सबकी होती है, परिवर्तन होता रहा है, पहले भी रहा है, अभी भी हो रहा है, आगे भी और परिवर्तन होंगे, लेकिन पार्टी एक रणनीति के तहत राजनीतिक क्षेत्र में काम करती है। तो कौन सी रणनीति ठीक तरीके से होगी, एकजुटता का आधार के ऊपर हम सबको साथ लेके, और भारतीय जनता पार्टी का नारा भी यही है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, इस नारे के आधार के ऊपर हम काम करेंगे। तो अब एकजुट है पार्टी? निश्चित रूप से पार्टी एकजुट है, कमल के फूल के नीचे सब एकमत है और पार्टी को जिताने के लिए हर नेता हर कार्यकर्ता पूरी मेहनत और परिश्रम करेगा।
ये थे हमारे साथ चोमू विधायक रामलाल शर्मा और भाजपा प्रवक्ता, जिन्होंने कहा कि 2023 में कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और जो उनकी नाकामियां हैं उनको जनता के बीच में जाकर गिनवाएंगे। कैमरामैन सौरभ के साथ सागर चौधरी, महानगर टाइम्स के लिए जयपुर, राजस्थान।